हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम चेतन जांगी। देखो, आज हम हमारी टोयोटा क्लेंजा के बारे में बात करें, जो कि 2021 का वेरिएंट है जी, जो कि अभी हाल ही में देखो इस कंपनी ने हमें 2022 का बताया था एवरेज, जो कि 17 का एवरेज दे रही है। इसमें कोई भी बात है नहीं। देखो, कंपनी बताती है जितना तो कोई सी भी गाड़ी देती नहीं है। देखो, निकाल देती है उसका, अपन रिव्यू बना देंगे आपके लिए। पर इसके मेंटेनेंस के बारे में बात करें तो हमें आज लगभग एक साल होने वाला है, जो कि इसमें जीरो मेंटेनेंस पड़ी है, जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस पड़ी है। देखो, इंजन भी इसका कोई 1.2 रिविट इंजन देखने के लिए मिल जाता है। पेट्रोल जो कि 150 न्यूटन मीटर टॉर्क पर 1700 RPM जनरेट करता है। तो अपन इधर अंदर की तरफ बात करें ना, तो इसके अंदर अभी तक इसके अंदर थर्ड सर्विस के अलावा कोई भी खर्चा नहीं हुआ हमें, जो कि थर्ड सर्विस भी फ्री थी। इसके बाहर से बात करें तो जैसे टायर पंचर, टायर भाई हमारा अभी तक सिंगल बार पंचर हुआ, इसके अलावा हमारा एक बार भी टायर पंचर नहीं हुआ, जो भी यहाँ से कट लगा है। इसकी एक प्रीवियस वीडियो आ रही है, जो कि बट का आने पर, मतलब ऐसे बताया था मैंने, टायर चेंज करवाने के लिए अपील भी की थी, पर उन्होंने हाँ भी भर दिया था। फिर हमने करवाया नहीं, क्योंकि इसका पंचर निकल गया था। इसके अंदर हमें अभी तक देखो फर्स्ट सर्विस फ्री होती है, सेकंड सर्विस फ्री होती है, थर्ड सर्विस होती है फ्री, यानी लेबर चार्ज फ्री रहता है। वैसे मेंटेनेंस कॉस्ट तो मतलब लेबर चार्ज के अलावा, जैसे इंजन ऑयल की बात करें तो उसके पैसे तो अपने ऐड ऑन होते हैं, जैसे हालांकि कूलेंट वगैरह से ऐड ऑन हो जाते हैं, मतलब और तो सारी मतलब फ्री ही रहती है। इसके अंदर हमें इसके मतलब बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ। बिल हमारे पीछे से लगी जरूर थी, मतलब यहाँ से किसी ने अड़ा दी थी गाड़ी को, पर उसने ही सही करवा दी कंपनी के अंदर। हाल ही में देखो इसमें थोड़ा सा डेंट भी मिल जाएगा हमें इसके, पर हमें अभी तक एक रुपया भी नहीं लगाया एडिशनल। बस थोड़ी सी एसेसरी लगवाई थी उसके अंदर, एसेसरी के अंदर थी कि जैसे कि सीट कवर ये हमने लगवाए थे, और मैटिंग लगवाई थी, और नीचे वाली फ्लोर मैटिंग आती है ना वो लगवाई थी। इसके अलावा हमने एक रुपया भी नहीं लगवाया अभी तक हालांकि गाड़ी के अंदर। जो एज इट इज़ कंपनी से निकली हुई गाड़ी है वैसे की वैसे मिल जाती है हमें, जो कि बाहर से बिल्कुल भी हमें जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस पड़ा इसके अंदर। हालांकि इंजन के अंदर भी हमने एक रुपया भी नहीं लगाया अभी तक। जब बात करा था ना मैं उसकी ये ORVM की, जो कि कंपनी वालों ने ऐसे बोला था सर आता है कंपनी से ऑलरेडी ऐसे ही आता है, इसके अंदर कोई मतलब झिझकने वाली बात नहीं है, ऐसे कि ऐसे रहेगा सर, ये थोड़ा इसमें अपन कर सकते हैं। पर उन्होंने थोड़ा मैच भी करवाया था, हालांकि सही नहीं हो पाया उतना जितना होना चाहिए था। अभी इसके अंदर से बात करें, मतलब कंपनी वालों ने एवरेज बताया था, देखो एवरेज निकाल बताया ना आपको, तो इसके अंदर एवरेज लेकिन यहाँ से शो होती है। देखो एवरेज की बात करें तो इसके अंदर स्टीरियो की नॉलेज भी थोड़ी होनी चाहिए अपने को, यहाँ पर जाके इधर की तरफ मतलब स्वाइप करना है अपने को। ये 14.2 का एवरेज बता रही है, हालांकि अपनी गाड़ी खड़ी है, लो फ्यूल भी का मतलब नोटिफिकेशन भी बता रही है ये। अब ये यहाँ पर आ जाना है, अपने गाड़ी का सो लोगो मिल जाएगा देखने के लिए, इसके अंदर आ जाना है हमें, और ये हिस्ट्री दिख रही होगी आपको, हिस्ट्री पे जाना है। ये क्या है देखो, एक तो रिफ्यूल पे चलती है माइलेज ऑन ट्रिप, ट्रिप के बाद में अपनी गाड़ी कितने का एवरेज दे रही है जो इसके अंदर शो हो रहा है आराम से। ट्रिप 5 पर यह दे रही थी 18.1 किलोमीटर का माइलेज दे रही थी, या मोटा मोटा 17 वो बोलते हैं ना एवरेज माइलेज कितने का दे रही है अपनी गाड़ी, तो 17.7 का एवरेज माइलेज निकाल लेती है अपनी गाड़ी। देखो रियलिटी में बताऊँ तो आपको, इसके ऊपर हाईवे पर आज तक मैंने कभी इसका ना तो 21 का देखा एवरेज, ना ही कोई 22 का देखा। सब कहने की बात है 21-22 का एवरेज देती है, कंपनी वाले भी हमें ऐसे ही बोल रहे थे। मनोज जी है हमारी राजेश टोयोटा के अंदर टोंक रोड वाले, उन्होंने बोला था 22 का एवरेज देगी, उनसे पूछ लेना, चेतन जी को जानते हो, वो सब जानते हैं। अपनी कोई इतने कोई खास माइलेज निकाल रही नहीं। देखो मेरी बात मानो तो इसके अंदर अभी तक देखो, अभी नई वाली से तो बहुत बढ़िया ये वाली गाड़ी मिल जाती है अपने को। देखो जीरो कॉस्ट मेंटेनेंस इस गाड़ी का, अभी तक एक रुपए का भी खर्चा नहीं हुआ। और इसके अंदर थोड़ा इस बटन के अंदर जरूर प्रॉब्लम आई थी, जो मैंने ये क्या है वॉल्यूम लो का बटन है ना स्टीयरिंग कंट्रोल, इसमें जरूर प्रॉब्लम आई थी, इसके अलावा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। देखो इंजन भी एज इट इज बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मांगा अभी तक, मैंने खोल के बता देता हूँ देखो आपको इंजन को बिल्कुल भी। इसके अंदर भाई हमें नहीं तो और एक बार क्या है हमारी बच्ची ने एक हमारे बच्ची है यार वो थोड़ा प्रॉब्लम कर दी थी, बताऊँ क्या प्रॉब्लम फेस हुई थी। एक ही प्रॉब्लम इसके अंदर फेस हुई थी जो कि ये थी, मतलब जैसे ये ग्लास नीचे की तरफ हो गया ना ऐसे, क्या है हमने वो बच्ची क्या है मैं खोलूँ का आज हम उससे पहले यार ऐसे चल दिया क्या है खोल रही फालतू में, छोटी बच्ची थी इस कारण वो क्या है इसको दबा के बैठ गई पीछे वाले बटन को, इस वाले बटन को ऐसे दबा के बैठ गई। हम यहाँ से ऊपर कर रहे थे विंडो जो वो भाई साहब ना तो ऊपर होती है वो ना ही नीचे होती है, ऐसा प्रॉब्लम फेस हुई थी हमें। और कुछ भी प्रॉब्लम फेस नहीं हुई इस गाड़ी के अंदर बिल्कुल भी। बस ये थोड़ा टोयोटा वालों से निवेदन है कि थोड़ा गाड़ियों की सर्विस टाइम टू टाइम करके दे दें,
भाई वहाँ पे जाने का मतलब है पूरा दिन भर बर्बाद करना, ये टोयोटा का सीन है और तो कुछ भी नहीं है। और तो हमें रिलायबिलिटी बिल्कुल टोयोटा से बिल्कुल बढ़िया मिल जाती है देखने के लिए, बढ़िया ही बोनट थोड़ा हैवी मिल जाता है। वैसे कई बोलते भी है देखो यार लोग, मतलब ये गाड़ी आती है जो मतलब थोड़ी हल्की आती है, मतलब बिल्कुल आती है ये आती है वैसे आती है, भाई इसका तो बोनेट भी थोड़ा भारी मिल जाता है और गाड़ियों से। तो मैं बताऊँ जैसे कि हमें एल्टो, हमारी एल्टो भी थी उससे तो काफ़ी भारी मिल जाता है इसके अंदर बोनेट, हालांकि होना भी चाहिए क्योंकि इसका इंजन भी थोड़ा हैवी 1.2 लीटर VVT इंजन मिल जाता है हमें जो कि पेट्रोल का है। भाई ये गाड़ी पहले हमारे डीजल के अंदर भी आती थी और बढ़िया एवरेज भी निकालती थी, पर उसका क्या है मेंटेनेंस थोड़ा हैवी पड़ जाता है, इस कारण हमने डीजल में नहीं लियो और वो आ रही भी नहीं थी 2021 के अंदर। देखो मेनली रीज़न बताऊँ तो हमने डीजल क्यों नहीं ली, और ये क्या है हमने सजेशन पे लिया, क्या है हमने भैया क्या है जीतू भी आया हमारे उनके सजेशन पे लिए ये गाड़ी। देखो यार चूहे इसमें भी आ गए, अभी क्या है हम फैक्ट्री में खड़ी करने लगे थे, अब आज से नहीं करेंगे, चूहे ने एंट्री ले ली इस गाड़ी के अंदर। अभी मेरे को भी अभी पता चला है कि इसके अंदर चूहे ने एंट्री भी ले ली, अपनी गाड़ी एज इट इज़ ऐसे मिल जाती है बिल्कुल बिल्कुल नई फ्रेश। अभी इसकी जैसे ही 20,000 की सर्विस होगी ना उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। बस ये है अपनी टोयोटा की लेंस, और इसके अंदर देखो इसके अंदर क्या है बम्पर भी यहाँ से थोड़ा कट हो गया था, ऑटो रिक्शा वाले ने यहाँ से लगा दिया था, मतलब आपको थोड़ा कलर में भी डिफरेंस मिल रहा होगा इसके अंदर। इसके में ये क्या है आपको मार्केट ही करवाया था फिर हमने यहाँ से, क्या है ये देखो यहाँ पे ब्रेक भी मिल जाएगा आपको, ऐसा कुछ सीन हो रहा है। LED लाइट तो हमें बहुत ही बढ़िया मिल जाती है जो कि और किसी गाड़ी के अंदर तो देखा नहीं, मैं हमारी बोलेरो की तो सबसे घटिया मिल जाती है हमें। भाई इसकी अगर बात करें ना मतलब इंजन नॉइस की, बिल्कुल भी अंदर की तरफ बिल्कुल भी नॉइस नहीं आता, बिल्कुल जीरो नॉइस बोलते ना, बिल्कुल साइलेंट अंदर से वैसे ऐसे फील होता है, मतलब वाइब्रेशन भी बिल्कुल जीरो मिल जाती है इसके अंदर देखने के लिए हमें। और तो भाई अपनी गाड़ी का क्या ही कहना, इसके अंदर बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, ये भी हालांकि आती तो हमारी फैक्ट्री के काम ही है, अगर कोई बंदा लाएगा तो कुछ ना कुछ तो पर्पज़ होगा ना उसका परचेज करने का, मतलब अगला कोई बंदा गाड़ी खरीद रहा है तो उसका हालांकि कोई ना कोई पर्पज़ तो होगा ना बिल्कुल। और तो यार इसके अंदर पार्सल ट्रे सबसे रद्द दे रखे हैं इसके, रद्दी देखो ऐसा कुछ सीन रहता है भाई पार्सल ट्रे का, बिल्कुल बेकार ही दे रखे हैं, मतलब यार देखो यहाँ से निकल जाने का, भाई पार्सल ट्रे में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर लो यार, करा भी होगा हाल ही में उन्होंने। अभी देखो ऐसे की ऐसे निकल रहा है, इसको ऐसे की ऐसे डालना पड़ता है वापस, यार ये क्या सीन है देखो, चल जी वीडियो के अंदर बेइज्जती करा दी यार। अब ये बात करूँ ना इस पार्सल ट्रे की, देखो इसको तो यहाँ से खोल लेते हैं, देखो इसकी बात करें देखो पार्सल ट्रे बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती इसके अंदर अपने वो, ये बिल्कुल जगह जगह से मतलब थोड़ा सा सामान क्या रखते हैं तो बिल्कुल गिर जाती है नीचे की तरफ। देखो इसमें मैंने थोड़ा दिमाग लगा के इधर स्क्रू भी कसा था, अब इसके अंदर भी कसना पड़ेगा मेरे को ऐसे ही ऐसा, पर यहाँ से ब्रेक हो गया इसका तो मतलब स्क्रू भी नहीं चलेगा अपने वहाँ। बस पार्सल ट्रे के अलावा इस गाड़ी के अंदर हमें कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आई जो कि हमें इससे बड़ा नुकसान हो गाड़ी को, मतलब यार ऐसा लगे कि यार गलती खरीद ली गाड़ी, बिल्कुल भी ऐसी प्रॉब्लम फेस नहीं। और इसके मतलब वाइपर में ज़रूर यार ऐसे मतलब ऐसे लगते हैं ना, थर्ड क्लास गाड़ी इसके वाइपर से लगती है मेरे को, देखो रियलिटी में बताऊँ तो ये क्या है ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाता है, ऐसे उठ उठ के गिरने लग जाता है ये वाला वाइपर। बस इस पर थोड़ा सा यार इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं तो ये गाड़ी आसमान छू जाती, वैसे भी स्विफ्ट को हराने वाली यही गाड़ी मिल जाती है देखो मार्केट के अंदर, मतलब लुक में भी अच्छी मिल जाती है, बड़ी मस्कुलर दिखती है गाड़ी अपने को, बल्कि सा लुक मिल जाता है हमें इस गाड़ी के अंदर, बड़ा ही मतलब मोस्टली फीचर भी मिल जाते हैं इस गाड़ी के अंदर। और इसका मेनली इसका फ्रंट बम्पर है टोयोटा ग्लेंजा का जो कि बैलेंस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है हमें, और इसके अंदर थोड़ा हॉर्न को भी थोड़ा सुधार देते हैं तो अच्छी दिखने लग जाती है गाड़ी। और इसके अंदर पीछे का रियर क्रोम वो जो मेरे दिल को ही भा जाता है यार, ऑटो फोल्ड ओवारी भी मिल जाती है इसके अंदर, मतलब टोयोटा अपने बेस मॉडल में ही सब कुछ दे देता है, देखो एलोई व्हील सब कंप्लीटेड। बस थोड़ा यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, बस आज के लिए तो बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर।